नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज, मैं हूं अंकुर पांडे। एक तरफ जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने कानून व्यवस्था का दम भरते हैं, तो वहीं प्रशासन के आला अधिकारी उनके सरकार पर कालिक पोतने का काम करते हैं, जिसका एक नजारा महोबा में देखने को भी मिला है। यहां भूमाफियाओं ने जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने प्रशासन से भी की, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में काबज योगी आदित्यनाथ सरकार में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जहाँ सत्ता में आने के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणाएं की थी, जिसके बाद सरकार ने एंटी भूमाफिया अभियान चलाया, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए वैसे वैसे ये अभियान बेदम होता गया। सरकार के इस बेदम अभियान का एक नजारा महोबा में देखने को मिला है, जहां भूमाफियाओं ने लोगों के जमीनों पर कब्जा कर लिया है। वहीं इन माफियाओं के खिलाफ पीड़ितों ने जिले में काबिज अफसरों से तमाम शिकायतें की, लेकिन इसके बावजूद पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है। भूमाफिया के जबरन कब्जे का एक मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां मोहम्मद नईम समेत तमाम पीड़ितों ने योगी आदित्यनाथ सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ितों ने कहा कि ये जमीन हम किसानों की है, इसके बाद भी उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। पीड़ितों ने जमीन कब्जा करने का आरोप ओम प्रकाश नामक व्यक्ति पर लगाया है। कुछ है दबंग टाइप के लोग जो हैं हमारी जमीन पर कब्जा करने को उसमें कर रहे हैं, और रात में ये लोग अपना काम करते हैं, इनके पास मना करने के लिए जाते हैं तो झगड़ा फसाद अपना करने, इनकी पहुंच थाने और पहुंच है, और ये लोग जो हैं माफिया भी हैं। जो कमज़ोर रहा उसको इन्होंने अपना दाब लिया, जैसा कि हमको अपना दाबा, हमने भी अपना कई जगह आपका कंप्लेंट किया है, लेकिन कोई भी अधिकारी लेखपाल कानून को कोई भी हमारी बात को अपने सुनने के लिए तैयार नहीं है, और न वो कह रहे तुम्हारी ज़मीन यहाँ पर कहीं है ही नहीं है, आप जाइए यहाँ से, आपकी ज़मीन यहाँ पर है ही नहीं है, ज़मीन आपकी रोड में चलेगी, रोड वाले कह रहे हमने आपकी ज़मीन नहीं ली, और ये जो है दूसरे जो हमारी ज़मीन के पीछे जिनका खेत है वो जो है बाहुबली लेखपाल कानून को हमारी बात नहीं सुन रहे, नायब साहब को भी कहा वो भी नहीं सुन रहे, SDM साहब के पास भी हम अपना गए, उनको भी हमने दिया, थाने में भी दिया, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा। ये हम लोगों की ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं, ये जबरन पैतृक ज़मीन है हम लोगों की, और पुश्तैनी ज़मीन चली आ रही है, लेकिन ये भूमाफिया लोग जो है कब्जा कर रहे हैं, और कई भी ज़मीनों पर इन लोगों ने कब्जा किया है, और कई जगह गरीब पर जाते हैं तो वो लोग जो है नहीं हटवा पाते हैं कब्जा, और जो है उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं ये लोग। सरकार लाख बातें कर रही है, लेकिन भूमाफियाओं के ऊपर ना तो कोई शिकंजा कसा जा रहा है, तो हौसले और बुलंद हैं। गरीबों की ज़मीनें हड़पने में लगे हैं, कई जगह पर इन लोगों ने ज़मीनों में कब्जा किया है, और महोबा ज़िले में कोई असर नहीं है, प्रशासन द्वारा कोई इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। सर भूमाफिया तो यहाँ के किंग हो गए हैं आजकल, यहाँ पे हर दबे कुचले गरीब आदमियों की ज़मीन पे जबरन कब्जा करके बेचा जाता है, अच्छे दामों में बेचा जाता है, और उन्हें यही कोर्ट कचहरी के चक्कर, लेखपाल कानून को के चक्कर लगवाते लगवाते ये मर जाते हैं, और ना अपनी ज़मीन ले पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। अधिकारी जो लोग हैं ये भूमाफियों से सेठ हैं, और इन लोगों के पास हर जैसे अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों से अपने आप जैसे रिश्वत दे के या पैसे दे के आपस में तालमेल बढ़ा के ये लोग अपना काम करवा लेते हैं, और गरीब आदमी मारा जाता है। वहीं अब पीड़ितों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब कार्रवाई नहीं हुई तो वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और PM मोदी से शिकायत करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर प्रशासन इन पीड़ितों की गुहार सुनती है या नहीं, या फिर प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुख दर्शक बनकर बैठी रहेगी। TNP न्यूज के लिए महोबा से कौशलेंद्र राठौर की रिपोर्ट।